हमारे देश में सेकुलर्स और लिबरल्स की एक जमात है जो पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजे गए कलाकारों को भी गालियां देने से बाज नहीं आती। जी हाँ, ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कला से देश का नाम ऊंचा किया है। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज हुई है संजू, जिसमें संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं रणवीर सिंह और उनके पिता सुनील दत्त का किरदार निभा रहे हैं परेश रावल। फिल्म का रिव्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है और कहा जा रहा है कि फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, परेश रावल ने बेहतरीन काम किया है। लेकिन NDTV को ये चीज़ें कभी भी रास नहीं आती, वो फिल्म रिव्यू जैसी चीज़ों में भी कॉम्युनल और सेकुलर एजेंडे को घुसा देते हैं, यानी कि अपने एजेंडे को घुसा देते हैं। हम आपको संजू मूवी का रिव्यू NDTV द्वारा जो किया गया है उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप ज़रा इसे पढ़िए। स्पेशली आउट ऑफ प्लेस इज परेश रावल, यानी कि जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं उसको इन्होंने आउट ऑफ प्लेस बता दिया है और उसका कारण क्या है वो आप आगे सुनिए। Especially out of places, Paresh Rawal, baffling cast in the role of Sunil Dutt, an actor, director, politician who stood firm all his life in championing the cause of communal harmony. Yani ki Paresh Rawal ek misfit hain Sunil Dutt ke role mein, kyunki Sunil Dutt ek aise vyakti the jinhone apni puri jo zindagi thi usko laga diya tha communal harmony ke liye. जी हाँ, ऐसा रिव्यू दिया है NDTV ने। उन्हें उनकी एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि वो रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं और रियल लाइफ में परेश रावल ने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्हें इस रोल के लिए मिसफिट बता दिया गया है, जिसको हर कोई सराह रहा है और कह रहा है कि उन्होंने रणबीर कपूर जो कि इस फिल्म के एक्टर हैं उनसे भी बेहतरीन अदाकारी पेश की है, जो कि एक ऑब्वियस पॉइंट भी है क्योंकि परेश रावल एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं। उसकी बुराई NDTV क्यों कर रहा है वो हम अब आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हमने इस मुद्दे को थोड़ा स्क्रूटनाइज करना शुरू किया तो हमें पता चला कि परेश रावल ने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से उनके ऊपर एक कम्युनल का तमगा लगा दिया जाए। जी हाँ, NDTV ने साफ साफ यही किया है कि कम्युनल पर्सन एक सेक्युलर पर्सन के रोल में कैसे आ गया इतनी बड़ी फिल्म में, तो उन्होंने साफ साफ ऐसा रिव्यू दिया है। लेकिन हमने जो जांच पड़ताल किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ दो ट्वीट्स मिले हैं जिनको हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला ट्वीट उन्होंने किया था अरुंधति रॉय के खिलाफ। जी हाँ, उन्होंने कहा था, आपको याद होगा मेजर गोगोई वाला इंसिडेंट जिसमें उन्होंने एक कश्मीरी पत्थरबाज को अपनी जीप के सामने बांध दिया था और कश्मीरी पत्थरबाजों के झुंड को चीरते हुए अपने दल के साथ, अपनी टोली के साथ अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंच गए थे। तो ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट था जिसके बाद अरुंधति रॉय ने कहा था फेमसली कि 7 लाख की जगह 70 लाख की भारतीय फौज भी यदि कश्मीर में खड़ी हो जाए तो भी कश्मीर को कश्मीरियों से नहीं बचा सकती, कश्मीर तो आज़ाद होकर ही रहेगा। ऐसा एक बयान आया था अरुंधति रॉय का, जिसके बाद परेश रावल ने ट्वीट किया था कि जो पत्थरबाज था उसकी जगह अरुंधति रॉय को बिठा देना चाहिए था जीप पर बांधकर। जी हाँ, इस प्रकार का एक ट्वीट किया था, जिसके बाद खलबली मच गई थी और पूरी तरीके से लिबरल्स के ग्रुप ने परेश रावल को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया था, उनकी रिपोर्ट की थी ट्विटर पर और ट्विटर ने उनका अकाउंट डिलीट करने की भी धमकी दी थी, जिसके बाद परेश रावल को अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था और उन्होंने एक आधिकारिक बयान भी दिया था कि आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस ट्वीट बट आई हैव टू डिलीट दिस बिकॉज अन्यथा ट्विटर मेरा अकाउंट डिलीट कर देगा। हमने आपको वो पत्र अभी स्क्रीन पर दिखाया है। दोस्तों, लिबरल्स के पूरे ग्रुप्स ने परेश रावल को बहुत बुरा भला कहा था। स्वरा भास्कर का आप ट्वीट देख पा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था पार्लियामेंटेरियन हैज शेमलेसनेस टू ओपनली थ्रेटन अ वुमेन, यानी कैसे शब्दों का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जब आप कश्मीर को, भारतीय सेना को और भारत के एक अभिन्न अंग को भारत से तोड़ने की बातें करते हैं तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जब उस एक्सप्लेनेशन पर, जब उस स्टेटमेंट पर कोई सवाल उठा देता है तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, तो आप
उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हो। लेकिन जब आप कश्मीर को भारत से अलग करने की बातें करते हो, जब आप अलगाववादियों का और आतंकवादियों का साथ देते हो, तो कोई कुछ नहीं बोलता। किसी लिबरल के मुंह में कोई ज़बान उस समय नहीं रहती। ये कैसा लोकतंत्र है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये कैसी डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ एक तरफा ही क्यों है, ये मेरा प्रश्न है। और क्यों कॉम्युनल होने का तमगा पहना दिया गया इस ट्वीट के बाद परेश रावल को, जबकि उन्होंने सिर्फ अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही यूज़ किया था। इसके बाद दोस्तों परेश रावल का एक और ट्वीट था रोहिंग्यांस के खिलाफ। जी हाँ, रोहिंग्यांस जो बर्मा से निकाले जा रहे हैं अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण, आप उनके खिलाफ ट्वीट पढ़ सकते हैं परेश रावल का, जिसमें उन्होंने लिखा रोहिंग्यांस किल हिंदूज इन म्यांमार बट दे विल स्टार्ट लविंग हिंदूज वंस दे एंटर इंडिया। एक सार्केस्टिक ट्वीट था, क्योंकि जो रोहिंग्यांस की जो संख्या थी भारत में, जिन जो पलायन कर रहे थे, वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था। तो रोहिंग्यांस के खिलाफ ये ट्वीट किया था और उसका कारण था कि एक मास ग्रेव मिली थी बर्मा के अंदर रिखाइन स्टेट में। रिखाइन स्टेट जो था वो रोहिंग्यांस का पूरा किला था, गढ़ था, जहाँ पर एक मास ग्रेव मिली थी जिसमें से करीब 45 लोगों की लाशें मिली थी, जो कि सब हिंदू समुदाय से थे और वो रोहिंग्यांस के इलाके से ही मिली थी आर्मी को म्यांमार की। तो इसके बाद एक ट्वीट किया था परेश रावल ने, जो हमने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया है। अब हमें शायद ये समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद ऐसा ट्वीट यदि कोई करता है उन लोगों के खिलाफ जिनको भारत की सरकार ये बोल रही है कि इनके लश्कर के साथ लिंक हो सकते हैं। जी हाँ, लश्कर और अलकायदा के साथ रोहिंग्यान के लिंक बताए गए थे भारत सरकार की जांच एजेंसियों के द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा। उनके खिलाफ इस प्रकार का ट्वीट करना गलत है या सही, वो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। लेकिन इसके बाद किसी को कॉम्युनल तमगा पहना देना कितना सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू ट्वीट्स। अगर आप कह दो कि वो व्यक्ति संजू में सुनील दत्त के रोल के लायक नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू ट्वीट्स, तो ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि NDTV ने कितना सही ये जजमेंट किया है। इसके अलावा भी एक और ट्वीट है परेश रावल का, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से कह रहे हैं इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ ब्रदरहुड, जिसमें वो कहते हैं रोहिंग्यान शुड नॉट rely on anyone as Islam is a religion of brotherhood, so all the Islamic countries would stand by them, just ask them। यानी वो सीधा सीधा कह रहे हैं इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ ब्रदरहुड, तो कॉम्युनल कहाँ से हो गए। मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ NDTV से, जो इस प्रकार का रिव्यू कर रहे हैं और ऐसा जजमेंटल होने का प्रयास कर रहे हैं परेश रावल जैसे इंसान पर, जिन्होंने पद्मश्री जैसे अवार्ड को जीता है अपने कार्य के द्वारा, अपने कार्य क्षेत्र में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि NDTV जैसे चैनल्स का जो एजेंडा है वो लोगों के सामने आ सके। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।